जय श्री महाकाल। मुझे अक्सर ये कमेंट्स मिलते हैं कि हमारा भाग्योदय का वर्ष कौन सा है। हम 22वें साल, 23वें साल, 25वें, 19वें, 33वें, 40, 45, 80, 66 और न जाने कितने 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 कमेंट्स कि मेरी अभी ये उम्र चल रही है, मेरा भाग्योदय क्या इस साल होगा। तो भाग्योदय आपका कौन से साल होगा, आपकी उम्र के किस साल में आपका भाग्योदय होगा, आज हम इस विषय पर वीडियो में चर्चा करेंगे। और अगर उस उम्र को निकलने के बाद चीज़ें निकल गई हैं और फिर भी भाग्योदय नहीं हो पाए तो कौन से उपाय हैं जिनको करने के बाद हम भाग्योदय फिर से करवा सकते हैं। और तीसरी बात है कि भाग्योदय में जो रुकावटें आ रही हैं उसको हम कैसे सही करें। तो ये तीनों विषयों पर वीडियो में चर्चा होगी। वीडियो को पूरा देखना, शांति से समझना, तभी चीज़ें आपकी सही तरीके से आप समझ पाएंगे। उससे पहले निवेदन कर दूं मैं आपसे कि बहुत दिन हो गए आप सब्सक्राइब चैनल को कर ही नहीं रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में कुछ भी लिख दें जो आपको अच्छा लगे। भगवान का नाम लिख दो, राम जी का नाम लिख दो, हनुमान जी का लिख दो, लेकिन कमेंट्स में भगवान का नाम जरूर लिखना। चाहे वीडियो देखो या ना देखो पर भगवान का नाम जरूर कमेंट्स में लिखना। अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात करना चाहते हैं, नंबर चल रहे हैं व्हाट्सएप पर, 24 घंटे में कभी भी जय श्री महाकाल लिख देना और अपॉइंटमेंट लेकर बात करना, ठीक है दोस्तों। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारी शादी के बाद भाग्योदय होगा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारा भाग्योदय तो इस साल होगा और हमारा भाग्योदय तो उस साल होगा। लेकिन सच ये है दोस्तों कि हर एक कुंडली के जातक में अपनी कुंडली का विश्लेषण होने के बाद उसमें सही चीज़ पता लगती है कि आपका भाग्योदय कब होगा, कैसे होगा और उसमें क्या क्या चीज़ें होगी। ये बेसिक से पहली बात है। लेकिन चलो, हमको कुंडली नहीं दिखानी, हमको सिर्फ जानना है कि किसे भाग्योदय का वर्ष कौन सा है। तो भाग्योदय का कोई भी जातक का भाग्योदय का जो एक टर्निंग ऑफ पॉइंट होता है वो 25 ईयर, 25 साल जब उसकी उम्र होती है और 34 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है, 9 साल का टाइम पीरियड जिसे कहता हूँ मैं क्रूशल, क्योंकि जब ये शुक्र की दुनिया है, ये जो कलयुग चल रहा है ये शुक्र की दुनिया है। और 25 साल को हम दाम्पत्य भाव में मानते हैं। चार भागों में हमने जीवन को काट के रखा है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, अधेड़ अवस्था जिसे कहें, और एक बुजुर्ग जो है अवस्था जिसमें वन गमनम होता है। तो 25 साल के बाद दाम्पत्य जीवन के लिए व्यक्ति प्रिपेयर होता है और 25 साल के बाद जो है, और 25 साल उम्र किस से मानेंगे, जो हमारे हिंदू नव वर्ष के हिसाब से, न कि इंग्लिश नव वर्ष के हिसाब से। क्योंकि अगर आप 24 साल के, अगर अभी आप 26 साल के हैं तो आप रियल में भी हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से एक साल ज़्यादा होंगे, 27 के होंगे। इसलिए 25वें साल में आपका भाग्योदय होगा और ये टाइम पीरियड 9 साल का होता है। अगर ये नहीं हुआ है तो आप दो टाइम बजरंग बाण पढ़े, आपका भाग्योदय हो जाएगा। जय महाकाल बोलो, जय महाकाल।